हेलो, आज हम बात करेंगे धर्म दर्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धर्म। धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं। सामान्यतः यदि धर्म की बात करें तो धर्म का अर्थ होता है जो धारण किया जाए। अर्थात जो सामाजिक नियम है, सामाजिक मूल्य है, उनको धारण करना ही धर्म कहलाता है। सामान्य रूप में देखा जाए तो धर्म का जो अर्थ होता है कर्तव्य का अनुपालन। जैसे एक शिक्षक का कर्तव्य है पढ़ाना, एक आईएएस ऑफिसर का कर्तव्य है निर्धारित दायित्व का अनुपालन करना। सामान्य अर्थ देखा जाए तो जिस व्यक्ति के लिए जो कर्तव्य निर्धारित है उस कर्तव्य का अनुपालन करना ही धर्म है। जैसे मान लिया जाए एक आईएएस ऑफिसर है, उसके अनेक कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य का अनुपालन करना ही धर्म है। एक विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ना, एक विद्यार्थी यदि पढ़ाई करता है तो इसका अर्थ है कि वह धर्म का पालन कर रहा है। एक तरह से देखा जाए धर्म धी नामक धातु से बना है जिसका अर्थ होता धारण करना। अर्थात सामाजिक नियम मूल्य मान्यता को धारण करना ही धर्म कहलाता है। यदि धर्म की बात करें तो वेद, हम उपनिषद की बात करें, वेद और उपनिषद की बात करें, वेद और उपनिषद में धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ है कि समाज के लिए जो कुछ भी निर्धारित है, समाज के विकास के लिए जिन नियमों का अनुपालन आवश्यक है वो सब कुछ धर्म है। यद्यपि कुछ लोग कर्म कांड को धर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। वेद में कर्म कांडों की बात की गई है, इसलिए कुछ विचारकों का मत है कि वेद में उल्लिखित नियम या कर्म कांड का अनुपालन करना ही धर्म है। अर्थात यदि धर्म को जानना है तो फिर वेद को जानना होगा, वेद का अध्ययन करना होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि धर्म का अनुपालन एक तरह से वेद में निर्धारित नियमों का अनुपालन है, और वेद के नियमों का अनुपालन करने के लिए वेद का अध्ययन जरूरी है, वेद और उपनिषद का अध्ययन जरूरी है। इसलिए यह कहा गया कि वेद का अध्ययन किए बिना धर्म संभव नहीं है। वही व्यक्ति धार्मिक हो सकता है जो वेद में उल्लिखित नियमों का अनुपालन करे, और उस नियमों का अनुपालन करने के लिए वेद का अध्ययन जरूरी है। इसलिए यह कहा जाता है कि जो वेद का अध्ययन करता है वो धार्मिक है, और जो धार्मिक है वो वेद का ज्ञाता है। पर एक प्रश्न, जब धर्म की बात की जाती है तो सबसे बड़ी चीज, जब भी हम सामान्य अर्थ में धर्म की बात करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि प्रत्येक धर्म में एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास किया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज कहा जाए सर्वोच्च सत्ता से जुड़े स्थान को पवित्र माना जाता है।
तीसरी चीज जब भी धर्म की बात की जाती है तो सामान्य रूप में देखा जाए कि प्रत्येक धर्म में एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदू धर्म में राम या कृष्ण की बात करें, इस्लाम में अल्लाह की बात करें, ईसाइयत में भी हम गॉड की बात करें। इसका अर्थ यही है कि दुनिया के जितने धर्म हैं, प्रत्येक धर्म में एक सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार किया जाता है। सर्वोच्च सत्ता को बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को, जैन धर्म में महावीर स्वामी को स्वीकार किया जाता है। इसका अर्थ यही है कि सर्वोच्च सत्ता के बिना धर्म की बात की ही नहीं जाती। दूसरी चीज, सर्वोच्च सत्ता से जुड़े स्थान को पवित्र माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को सर्वोच्च माना गया है, जैन धर्म में महावीर स्वामी को सर्वोच्च माना गया है, अतः गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से जुड़े स्थान को पवित्र माना जाता है। जैसे हम लुम्बिनी की बात करें वो पवित्र है, हम अल्लाह की बात करें इस्लाम में अल्लाह को सर्वोच्च माना गया है और अल्लाह से जुड़ी प्रत्येक चीजों को भी पवित्र माना जाता है। अल्लाह के संदेशों का जो प्रसार करने वाला जो पैगंबर है उसे भी पवित्र माना जाता है। हम राम को पवित्र, राम चूंकि सर्वोच्च है, कृष्ण सर्वोच्च है, इस राम से जुड़े स्थान को हम पवित्र मानते हैं। तीसरी बात, सर्वोच्च सत्ता के आदेश के संकलन को पवित्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, बाइबिल एक पवित्र ग्रंथ है, गीता, रामायण, वेद एक पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब एक पवित्र ग्रंथ है। पवित्र इसलिए है क्योंकि उन ग्रंथों में सर्वोच्च सत्ता के आदेश का संकलन किया गया है। सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण का भाव होता है, हम सर्वोच्च सत्ता के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं, उसकी उपासना करते हैं। अंत में यह कहा जाए, सर्वोच्च सत्ता की उपासना से दुख से मुक्ति का आश्वासन मिलता है। अब एक चीज देखो आप, इसका अर्थ यह है कि जब भी धर्म की बात की जाएगी तो धर्म में पांच तत्व अवश्य होंगे। नंबर वन, एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास। नंबर दो, सर्वोच्च सत्ता से जुड़े स्थान को पवित्र माना। नंबर तीन, सर्वोच्च सत्ता के आदेश के संकलन को पवित्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। नंबर चार, सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण का भाव होता है। और नंबर पांच, सर्वोच्च सत्ता की उपासना से दुख से मुक्ति का आश्वासन मिलता है। अब एक प्रश्न, धार्मिक चीजें होती हैं, प्रश्न यह उठता है कब कोई संस्था धर्म का रूप ले सकती है। अब सोचो, कोई संस्था धर्म का रूप कब ले सकती है? सिंपल चीज है, कोई सामाजिक संगठन है, किसी तरह की कोई गतिविधि है, कहा जाता है वो कब धर्म का रूप ले सकता है। तो एक बात याद रखना है कि धर्म में ये सारी चीजें होती हैं। पहली चीज, एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास किया जाता है। नंबर दो, सर्वोच्च सत्ता से जुड़े स्थान को पवित्र माना जाता है। इसका अर्थ यह है,
कोई भी संस्था धर्म का रूप तभी ले सकती है जब उसमें सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार किया जाए। जब तक सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक वो धर्म का रूप नहीं ले पाएगा। और जब हम सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं तो स्वाभाविक है उससे जुड़े हुए स्थान को पवित्र माना जाता है, उसके आदेश के संकलन को पवित्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोग उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पित होते हैं, इस उम्मीद में प्रार्थना करते हैं कि सर्वोच्च सत्ता उनके दुखों को समाप्त कर देगा। जैसे गौतम बुद्ध प्रारंभ में एक समाज सुधारक थे, बेशक उन्होंने चार आर्य सत्य की बात की है, पर कालांतर में बौद्ध विचार एक बौद्ध धर्म के रूप में आ गया। कि बौद्ध धर्म के रूप में आया क्यों? क्योंकि कालांतर में बौद्ध अनुयायियों ने गौतम बुद्ध को सर्वोच्च बना दिया, उनसे जुड़े स्थान को पवित्र माना जाने लगा, उनके आदेश के संकलन को पवित्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, लोग गौतम बुद्ध की उपासना करने लगे इस उम्मीद में उनके दुख समाप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि आज के युग में कोई भी संस्था धर्म का रूप तब तक नहीं ले सकती जब तक उसमें ये चीजें न हो। इसका अर्थ क्या चीज है कि धर्म में सर्वोच्च सत्ता का होना जरूरी है। जब तक सर्वोच्च सत्ता नहीं हो सकती तब तक वो धर्म हो ही नहीं सकता। एक प्रश्न उठा, सर्वोच्च सत्ता का अर्थ क्या है? सर्वोच्च सत्ता ईश्वर है या फिर भगवान है या कोई पैगंबर है, कौन है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब सर्वोच्च सत्ता की बात की जाती है तो सर्वोच्च सत्ता या तो ईश्वर हो या कुछ लोग उसे भगवान कहते हैं, चाहे सर्वोच्च सत्ता कोई पैगंबर हो, यह डिपेंड करता है हम किसे सर्वोच्च मानते हैं। आज के युग में अनेक ऐसे संस्थाएं हैं जहां या जिनके अनुयायी अपने गुरु को ही सर्वोच्च मान लेते हैं, जैसे आसाराम बापू के शिष्य आसाराम बापू को सर्वोच्च मानते हैं, राम रहीम के शिष्य राम रहीम को सर्वोच्च मानते हैं। डिपेंड करता है आप किसे सर्वोच्च मानते हैं। एक बात ध्यान रखना, हम जब ईश्वर की बात करेंगे तो ईश्वर और भगवान में अंतर होता है। ईश्वर की बात करेंगे, ये जो ईश्वर है जगत का निर्माता संचालक एवं हम ईश्वर की बात करें, ईश्वर जगत का निर्माता है, संचालक होता है और संरक्षण करता है। ईश्वर उसे कहते हैं जो जगत का निर्माण करता है, जगत का संचालन करता है और जगत का संरक्षण करता है। आवश्यकता पड़ने पर वो जगत का विनाश भी करता है। लेकिन ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है ये अलग है। भगवान उसे कहते हैं जिसके अंदर सभी मानवीय गुणों का विकास हो चुका है। हमेशा ध्यान दो, सभी सभी मानवीय गुणों का विकास ये भगवान जगत का निर्माता
संचालक ईश्वर जगत का निर्माता है, संचालक होता है, संरक्षण करता होता है, पर भगवान सभी मानवीय गुणों का विकास करता है। हमेशा भगवान उसे कहते हैं जिसके अंदर सभी मानवीय गुणों का विकास हो चुका है। जैसे गौतम बुद्ध के अंदर सभी मानवीय गुणों का विकास हो गया, इसे हम सभी लोग गौतम बुद्ध को भगवान कहते हैं। महावीर स्वामी के अंदर सभी मानवीय गुणों का विकास हो चुका है, इसे महावीर स्वामी को हम भगवान कहते हैं। आपने पढ़ा होगा रामायण, रामायण में तुलसीदास ने राम को पुरुषोत्तम राम कहा है। पुरुषोत्तम राम क्यों? क्योंकि उनके अंदर सभी मानवीय गुणों का विकास हो चुका है। एक बात याद रखना, मानवीय गुणों के हम विकास की बात करें, मानवीय गुणों का विकास, हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति मानवीय गुणों का विकास कर लिया भगवान बन जाएगा। अब सोचो, ये भगवान जगत का निर्माता, संचालक और विनाशकर्ता नहीं होता। ईश्वर भगवान में बेसिक डिफरेंट यही है कि ईश्वर जगत का निर्माता है, भगवान जगत का निर्माता नहीं है। ईश्वर जगत का संचालक है, भगवान जगत का संचालक नहीं होता है। अब सोचो जरा, इसका अर्थ ये है कि इंसान भगवान तो बन सकता है, क्योंकि यदि इंसान अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास कर लिया तो भगवान बन जाएगा, लेकिन वह ईश्वर नहीं बन सकता। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जितने भी पैगंबर हैं, ये सब भगवान की श्रेणी में आते हैं, पर ईश्वर नहीं है, क्योंकि ये लोग ना तो ईश्वर के निर्माता हैं, ना तो संचालक हैं, और ना तो विनाशकर्ता हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो हम सबके अंदर भगवान बनने की क्षमता निहित है, हम सबके अंदर भगवान बनने की क्षमता निहित है, पर हम सब ईश्वर नहीं बन सकते। अब एक चीज सोचो जरा, जब हम धर्म की बात करते हैं या धर्म की जब बात की जाती है, तो सबसे बड़ी चीज एक प्रश्न उठा कि धर्म समाज के लिए वरदान है, यह समाज के लिए अभिशाप। वरदान है या अभिशाप, दो नजरिया। एक वर्ग ने यह कहा कि धर्म वरदान है, और दूसरा दृष्टिकोण यह है धर्म अभिशाप है। आखिर है क्या धर्म? देखो आप, धर्म वरदान है या धर्म अभिशाप है, दो दृष्टिकोण। एक वर्ग का मानना है कि धर्म वरदान है। वरदान क्यों? तो मानना यह है कि धर्म मूल्यों का संचार करता है, धर्म के आधार पर समाज का अनुशासन धर्म मानव के अंदर आत्मविश्वास का संचार करता है, धर्म मानव को
दुखों से मुक्ति का आश्वासन देता है। धर्म से बंधुत्व की भावना का विकास होता है। जिन विचारकों ने माना है कि धर्म वरदान है, उनका मत क्या है कि धर्म मूल्यों का संचार करता है। मूल्य का संचार अर्थात सत्य, अहिंसा, प्रेम, बंधुत्व जैसे मूल्यों का संचार करता है। अब एक चीज सोचो, यदि मूल्यों का संचार हुआ और प्रत्येक व्यक्ति सत्यवादी, अहिंसक जैसे मूल्यों को एडॉप्ट कर लिया और उन मूल्यों को जीने लगा, परिणाम यह होगा हर व्यक्ति भगवान बन जाएगा, हमारा समाज राम राज्य हो जाएगा, जहां कोई व्यक्ति दुख से पीड़ित नहीं होगा। लोग दूसरों को जिलाने के लिए, जीवित रखने के लिए जीने की बात करेंगे। इसलिए देखा जाता है प्रत्येक समाज में धर्म की वकालत की जाती है। क्यों? क्योंकि धर्म मूल्यों का संचार करता है। अब मूल्यों के संचार से समाज मूल्य उन्मुख होता है। जब मूल्य उन्मुख होगा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सत्य अहिंसा जैसे मूल्यों को जीने लगेगा तो राम राज की अवधारणा मूर्त रूप ले लेगी। दूसरी चीज, धर्म के आधार पर समाज का अनुशासन, अर्थात धर्म के आधार पर समाज को अनुशासित किया जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर कर्तव्य की शिक्षा दी जाती है, मूल्य की शिक्षा दी जाती है, नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। परंतु लोग अनुशासनबद्ध होते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं आपसे कि प्रत्येक धर्म में कहा गया है कि गरीबों की सहायता की जाए, पीड़ित व्यक्ति की सहायता की जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति विषम स्थितियों में गरीबों की सहायता करता है। अक्सर देखा होगा धर्म ये कहता है दान देने से पुण्य मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो लोग मोक्ष पाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए अच्छे कर्तव्य करते हैं। अच्छे कर्तव्य, लोग पड़ोसी धर्म का अनुपालन करते हैं, परंतु एक बेहतर और अनुशासित समाज का निर्माण होता है। धर्म सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल अर्थात जैसा करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होगा। परिणाम यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अच्छे कर्म, अच्छे फल की प्राप्ति के लिए अच्छा कर्म करता है। जब अच्छा कर्म करेगा तो बुरे कर्म का निषेध हो जाएगा, और जब बुरा कर्म का निषेध हो गया तो स्वाभाविक है एक अच्छा सुंदर और अनुशासित समाज का निर्माण होगा। तीसरी चीज, धर्म मानव के अंदर आत्मविश्वास का संचार करता है, क्योंकि धर्म सिखाता है कि जीत अंततः सत्य की होगी। इसलिए धर्म के कारण प्रत्येक सत्यवादी व्यक्ति प्रताड़ित होने के बावजूद सत्य धर्म का साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे इस बात में विश्वास रहता है कि एक दिन उसकी जीत अवश्य होगी, ईश्वर उसके अच्छे कर्मों का फल अवश्य देगा। चौथी बात, धर्म मानव को दुखों से मुक्ति का आश्वासन देता है, क्योंकि धर्म यह सिखाता है कि अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर की पूजा करने से ईश्वर मानव के सारे दुखों को समाप्त कर देता है। ईश्वर में विश्वास करने से, ईश्वर द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करने से मानव के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अंत में धर्म से बंधुत्व की भावना का विकास होता है। इसलिए देखा जाए कि हर समाज में धर्म की वकालत की जाती है। धर्म की वकालत,
पर एक प्रश्न, कुछ विचारकों ने यह कहा कि धर्म अभिशाप है। अभिशाप क्यों है? धर्म अभिशाप है क्योंकि धर्म के नाम पर संघर्ष होता है। संघर्ष की बात करें, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा संघर्ष होता है। जैसे इस्लाम और हिंदू धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं और लड़ते इस बात को लेकर हैं कि किसका धर्म श्रेष्ठ है। इस्लाम के अनुयायी कहते हैं कि इस्लाम श्रेष्ठ है, हिंदू धर्म के अनुयायी कहते हैं कि हिंदुत्व श्रेष्ठ है। आप सोचो, समाज में, पूरी दुनिया में जो संघर्ष हो रहा है वो धर्म के कारण ही तो हो रहा है देखा जाए तो। नंबर दो, धर्म के नाम पर मानव जात का सबसे ज्यादा शोषण होता है क्योंकि धर्म के नाम पर अंधविश्वास को प्रमोट करके मानव जात का शोषण किया जाता है। धर्म के नाम पर कर्मकांड को प्रमोट किया जाता है और कर्मकांड के नाम पर मानव जात का शोषण किया जाता है। तीसरी बात, धर्म मानव को भाग्यवादी बना देता है, परंतु तो मानव निष्क्रिय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, धर्म यह कहता है कि ईश्वर ने प्रत्येक मानव के भाग्य का निर्धारण कर दिया, परिणाम यह होगा कि मानव भाग्यवादी बन जाएगा। और जब भाग्यवादी बन जाएगा तो मानव निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रियता व्यक्ति और समाज दोनों के पतन का सूचक है क्योंकि समाज के विकास के लिए मानव का सक्रिय होना जरूरी है और सक्रिय तभी होगा जब मानव को यह सीख दी जाए कि मानव अपना भाग्य विधाता स्वयं है। लेकिन धर्म कहता है कि ईश्वर श्रेष्ठ है और ईश्वर ने मानव के भाग्य का निर्धारण कर दिया। इसका परिणाम यह होता है कि मानव निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रियता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में बाधक होता है। अंत में देखा जाए, मार्क्स ने यह कहा कि धर्म अफीम है, लेनिन ने यह कहा कि धर्म एक घिनौना अत्याचार है और फ्रायड ने यह कहा, फ्रायड एक मनोव्याधि है। एक मानसिक रोग है धर्म। मार्क्स से पूछा गया धर्म अफीम क्यों है, तो मार्क्स ने यह कहा कि धर्म के नाम पर पूंजीपति वर्ग गरीबों का शोषण करते हैं क्योंकि पूंजीपति वर्ग यह शिक्षा देता है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें गरीब बनाया है और गरीब मान लेता है कि मेरी गरीबी ईश्वरी दंड है। परिणाम यह होता है कि गरीबी को दूर करने के लिए मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग कभी भी पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि पूंजीपति वर्ग उसके अंदर डर पैदा करता है कि यदि तुम गरीबी के विरुद्ध या पूंजीपतियों के विरुद्ध आंदोलन करोगे तो ईश्वर अगले जन्म में और ज्यादा गरीब बना देगा। इस प्रकार देखा जाए कि धर्म को लेकर विवाद पैदा हो गया कि धर्म वरदान है या अभिशाप। सच तो ये है कि धर्म की बात की जाए, हम धर्म को किस रूप में लेते हैं,
यदि हम धर्म को मूल्य के रूप में लेते हैं तो बेशक वरदान है, हम धर्म को कर्मकांड के रूप में लेंगे तो यह अभिशाप है। धर्म की बात की जाए, यद्यपि हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब धर्म की हम बात करते हैं तो धर्म के तीन पक्ष होते हैं, सैद्धांतिक, व्यवहारिक और क्रियात्मक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष की बात की जाए, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में क्या होता है कि हमेशा ध्यान दो इस बात को, धर्म को सत्य या धार्मिक नियमों को सत्य सिद्ध करने के लिए कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं। हमेशा ध्यान दो, क्रियात्मक पक्ष में हमेशा ध्यान देने इस बात को, हम धर्म के तीन पक्ष की बात करें, सैद्धांतिक पक्ष, संवेगात्मक या व्यवहारिक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष की बात की जाए। सैद्धांतिक पक्ष में धर्म के नियम और कर्मकांड के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं, कुछ थ्योरी दी जाती है। व्यवहारिक या संवेगात्मक पक्ष में धर्म के मूल्य और सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण का भाव होता है, यह समर्पण का भाव। और तीसरी चीज, क्रियात्मक पक्ष में हम धर्म के सर्वोच्च सत्ता की उपासना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम, हिंदुत्व, बौद्ध और जैन धर्म में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं उस धर्म को सत्य सिद्ध करने के लिए। अल्लाह है, ईश्वर है, ईश्वर ने जगत का निर्माण किया, स्वर्ग है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इन सब ये मूल्य मान्यताएं हैं। स्वर्ग, मोक्ष ये मूल्य है, एक मान्यता है धर्म में। धर्म के जितने भी कर्मकांड हैं उसे प्रूफ करने के लिए कुछ सिद्धांत की बात, कुछ तर्क दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर को सिद्ध करने के अनेक तर्क दिए गए हैं कि जगत है तो जगत का कोई ना कोई निर्माता होगा, जगत बहुत बड़ा है तो उसका निर्माता भी बहुत बड़ा होगा, उसे ईश्वर कहा जाता है। जगत में व्यवस्था है, सोचो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा ब्रह्मांड, प्रत्येक जो पिंड है, प्रत्येक जो ग्रह है, सभी एक दूसरे की गुरुत्वाकर्षण के नियमों से बंधे हुए हैं। क्या कमाल का अनुशासन है, आखिर पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में व्यवस्था किसने बनाई? कोई तो ऐसी सत्ता होगी जो पूरे ब्रह्मांड में व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहा होगा, उस सत्ता को ईश्वर कहा जाता है।
यह सिद्धांत है। संवेगात्मक पक्ष में क्या होता है, धर्म के जो मूल्य है और जो सर्वोच्च सत्ता है उसके प्रति समर्पण का भाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर ने यह संदेश दिया, वो धर्म के धर्म ग्रंथ और सर्वोच्च सत्ता के प्रति हम सिर झुकाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर देखा होगा सामने जो कोई मूर्ति दिख गई तो हम सर झुका लेते हैं या प्रणाम करते हैं, यह उसका व्यवहारिक पक्ष है। हम उसके प्रति समर्पित, हम समर्पित होते हैं। कुछ लोग ईश्वर के सामने रोते भी हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके दुखों को दूर करे, और क्रियात्मक पक्ष में हम उसकी उपासना करते हैं। उपासना करने की बात करें हम लोग, चीज या तो मंदिर या तो मस्जिद या तो चर्च या गुरुद्वारे की बात करें, लोग उसमें उपासना करते हैं, ये इसका क्रियात्मक पक्ष है। तो धर्म के तीन पक्ष की बात की जाती है, परंतु यदि धर्म की बात की जाए तो धर्म के समांतर दो पक्ष ही होते हैं। एक वाय पक्ष आंतरिक पक्ष, जो वाय पक्ष है विशेष का कर्मकांड, और कर्मकांड में हम पूजा पद्धति की बात करें। दूसरी चीज इसका जो वाय पक्ष है वो क्रियात्मक पक्ष है, मंदिर हम मस्जिद की बात करें। जो आंतरिक पक्ष है धर्म का वो मूल्य है, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, बंधुत्व और न्याय की बात करें। वाय पक्ष कर्मकांड, पूजा पद्धति, मंदिर मस्जिद की बात की जाए। एक बात याद रखना आप, अक्सर जब किसी व्यक्ति को धार्मिक कहते हैं तो कर्मकांड के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भगवान की पूजा करता है तो हम कहते हैं बहुत धार्मिक है। कोई मंदिर और मस्जिद के निर्माण के लिए पैसा देता है तो हम कहते हैं एक बहुत धार्मिक है। यह इसका वाय पक्ष है। आंतरिक पक्ष जो मूल्य है, सत्य, अहिंसा, प्रेम और बंधुत्व की बात करें। अब एक प्रश्न उठा कि आखिर हम लड़ते क्यों हैं, विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद क्यों है, हर धर्म यह दावा क्यों करता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। यदि धर्म का अध्ययन किया जाए तो धर्म का जो वाय पक्ष है, मंदिर मस्जिद, इसको लेकर संघर्ष होता है। हर धार्मिक समुदाय के लोग इसको लेकर लड़ते हैं, और धर्म की जो विभिन्न जो संप्रदाय है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, इस्लाम में सिया और सुन्नी, बौद्ध में हीनयान और महायान, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, और हिंदू धर्म में तो अनेक संप्रदाय है, और इन सभी संप्रदायों में जो अंतर है उसमें कर्मकांड, पूजा पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मंदिर और मस्जिद की बात भी करें, और जो उसका आंतरिक पक्ष है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, बंधुत्व, न्याय, उसका आंतरिक पक्ष है, कभी भी इसे लेकर विवाद पैदा नहीं होता, क्योंकि हर धर्म में सत्य, अहिंसा, प्रेम, बंधुत्व और न्याय की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम न्याय की बात करता है, ईसाइत प्रेम की बात करता है, और हिंदुत्व सत्य अहिंसा की बात करता है, और समाज के लिए सब कुछ चाहिए। सच तो देखा जाए, प्रश्न यही चीज है, सोचो, विवाद हमेशा इसको लेकर के, प्रश्न ये उठा, क्या वास्तव में धार्मिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब एक सोचो आप, यदि धर्म को इस रूप में लिया जाए
तो समाज में संघर्ष को जन्म देगा। पर यदि धर्म को इस रूप में लिया जाए, आंतरिक पक्ष को धर्म के रूप में स्वीकार किया जाए, तो समाज के विकास के लिए आवश्यक होगा। यह इसे महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सच्चा धार्मिक बन जाए, अर्थात एक मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाए, एक ईसाई सच्चा ईसाई बन जाए, एक हिंदू सच्चा हिंदू बन जाए। यदि प्रत्येक धर्म का अनुयायी अपने धर्म का सच्चा फॉलोअर बन गया तो आंतरिक पक्ष प्रबल देगा, सत्य अहिंसा प्रेम बंधुत्व न्याय की बात करेगा। और सच्चा धार्मिक होने का मतलब इन मूल्यों को जीने लगना, वो सत्य अहिंसा न्याय और प्रेम को जीने लगेगा, वो सत्य के लिए जिएगा न्याय के लिए जिएगा, अर्थात अन्याय होते देख नहीं सकता। उसका मूल उद्देश्य बन जाएगा प्रेम करना और प्रेम बांटना, उस संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अपनी कुर्बानी की बात करेगा। अब सोचो जरा, पर वो आंतरिक पक्ष पर महत्व दे तब। पर दुर्भाग्य यह है कि धर्म में आंतरिक पक्ष को इग्नोर कर दिया गया है, अकेले वाय पक्ष की बात करते हैं। प्रश्न ये उठा, हम वाय पक्ष में इतना बल क्यों देते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है और कितना नहीं, यह निर्धारित कैसे होता है? अक्सर देखा जाता है कि जब हम वाय पक्ष की बात करते हैं तो वाय पक्ष में सर्वोसत्ता की बात की जाती है, दूसरी चीज पवित्र माना जाता है, तीसरी चीज आश्वासन मिलता है। ये वाय पक्ष की बात करें, सच तो ये है हम धार्मिक बने लेकिन धर्म के आंतरिक पक्ष को महत्व दिया जाए न कि वाय पक्ष को। यदि आंतरिक पक्ष को महत्व दिया गया तो बेहतर सुंदर समाज का निर्माण होगा। अब एक प्रश्न, जब भी हम धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात की जाती है, तो धर्म के दो दृष्टिकोण हैं। एक भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा आपका पाश्चात्य दृष्टिकोण, एक आपका इंडियन अप्रोच और दूसरा आपका वेस्टर्न अप्रोच। इंडियन अप्रोच में विशेषकर और वेस्टर्न अप्रोच में यदि इंडियन अप्रोच की बात की जाए, इंडियन अप्रोच में कर्तव्य मूल्य पर बल दिया जाता है और वेस्टर्न अप्रोच में धर्म में सर्वोसत्ता पर बल दिया जाता है। दोनों में बेसिक डिफरेंट ये है, इंडियन अप्रोच के अनुसार धर्म करते हैं कर्तव्य का अनुपालन, नियमों का अनुपालन, मूल्यों का अनुपालन, मूल्यों को जीना। फॉर एग्जाम्पल,
हम असहाय व्यक्ति की सहायता करें, यह धर्म है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं, यह धर्म है। निर्धारित दायित्व का अनुपालन किया जाए, यह धर्म है। समाज के विकास के लिए प्रयत्नशील रहा जाए, यह धर्म है। लेकिन वेस्टर्न अप्रोच में हमेशा जब भी धर्म की बात की जाती है तो धर्म में सदैव सर्वोसत्ता की बात की जाती है। इसे देखा जाए कि जो इंडियन की बात करें, हमने विशेषकर वेद, हम उपनिषद की बात करते हैं, बौद्ध की बात करें, जैन की बात करें, इन सभी धर्मों में कर्तव्य, मूल्य और अनुशासन पर ज्यादा बल दिया गया है। लेकिन जो वेस्टर्न अप्रोच है, इसे विशेष रूप से देखा जाए, इस्लाम, ईसाई, जो पश्चिम के धर्म है, यहां सर्वोसत्ता पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। हम सर्वोसत्ता की बात करें, अब एक चीज सोचो जरा, ध्यान देना इस बात को। माना जाता वेद ऋषियों की रचना है, गौतम बुद्ध के संदेशों का संकलन किया गया जो बौद्ध ग्रंथ के रूप में आया, और उसमें केवल नियम है, संदेश है, ताकि समाज अनुशासित बना रहे। लेकिन जो पाश्चात्य पश्चिम के जो धर्म है, इस्लाम, ईसाईयत की बात करें, इस्लाम मानता है कुरान अल्लाह के आदेशों का संकलन है, और ईसाईयत मानता है कि बाइबिल की मूल कॉपी स्वर्ग में है और बाइबिल ईश्वर ने लिखा है। अर्थात वेस्टर्न अप्रोच में देखा जाए, जब भी धर्म की बात की जाएगी तो सर्वोसत्ता या ईश्वर की बात की जाएगी, और इंडियन अप्रोच की जब बात की जाएगी तो हमेशा कर्तव्य मूल्य की बात की जाएगी। प्रश्न ये उठा कि मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए कि इसे स्वीकार करना चाहिए। यदि सामाजिक विकास के नजरिए से देखा जाए तो इंडियन अप्रोच समाज के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्तव्य प्रबल देता है, यह मूल्य की बात करता है, ये नियमों के अनुपालन की बात करता है। इसलिए कहा जाता है कि इंडियन अप्रोच को स्वीकार करना ज्यादा अच्छा है। अब एक प्रश्न कि धर्म को अंग्रेजी में कहा जाता है रिलीजन, हमेशा जान दो इस बात को। धर्म को रिलीजन कहा जाता है, और रिलीजन जो है बना रेलिगेयर से, और रेलिगेयर का अर्थ होता है बांधना, दो चीज। हम रिलीजन की बात करें, बांधना, ईश्वर एवं मानव के बीच संबंध तथा मानव एवं मानव के बीच संबंध, ध्यान देना इस बात को। रिलीजन, धर्म को रिलीजन कहा जाता है, और रिलीजन बना रिलीगियर से, रिलीगियर, और रिलीगियर का अर्थ होता बांधना, अर्थात ईश्वर और मानव को आपस में जोड़ना, और दूसरी बात मानव को मानव से जोड़ना। अब प्रश्न उठा कि रिलीजन के अर्थ में विभिन्न धर्मों का मूल्यांकन किया जाए, इस्लाम, ईसाई, हिंदू धर्म की बात करें, ये धर्म है। रिलीजन रेलिगेयर से बना है, रेलिगेयर करता था ईश्वर और मानव के बीच संबंध। तो एक बात याद रखना, ईश्वर और मानव के बीच जब संबंध की बात तभी उठेगी जब ईश्वर को स्वीकार किया जाएगा। अर्थात रिलीजन
में ईश्वर को स्वीकार किया जाता है, अर्थात ईश्वर के बिना रिलीजन की बात हो ही नहीं सकती। इसलिए रिलीजन के अर्थ में उसे ही धर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है जहां ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई हो। अब देखो, इस्लाम, ईसाई, हिंदू धर्म की बात करें, ये तीनों रिलीजन के अर्थ में धर्म हैं, क्योंकि इन तीनों में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। इस्लाम भी अल्लाह को मानता है, ईसाइत में भी ईश्वर को माना गया है, और हिंदू धर्म में भी सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म को माना गया है। लेकिन रिलीजन के अर्थ में बौद्ध और जैन धर्म श्रेणी के नहीं है, ये दोनों धर्म की श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म में ईश्वर को माना ही नहीं गया है। यदि ये दोनों ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि ध्यान देना इस बात को, बौद्ध जैन धर्म की बात करें, यह धर्म नहीं है, क्योंकि इन दोनों धर्मों में ईश्वर को नहीं माना गया है। और रिलीजन का अर्थ क्या है? रिलीगेयर, और रिलीगेयर का अर्थ होता है बांधना, और बांधना किसको, किसको बांधना? तो ईश्वर और मानव के बीच संबंध, ईश्वर को मानव से जोड़ना। अर्थात रिलीजन में ईश्वर की सत्ता जरूरी है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां ईश्वर की सत्ता स्वीकार है वो धर्म है, जहां ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं है उसे रिलीजन में नहीं रखा जा सकता। इस्लाम, ईसाई, हिंदू धर्म की बात करें, ये रिलीजन के अर्थ में धर्म है, क्योंकि तीनों धर्मों में ईश्वर को माना गया है, पर बौद्ध और जैन धर्म ईश्वर को नहीं माना गया है, इसलिए ये धर्म की श्रेणी में नहीं है। परंतु इसका दूसरा जो अर्थ है, मानव मानव के बीच संबंध, एक चीज सोचो, ये दोनों मानव को मानव से जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि दोनों मूल्यों की बात करते हैं। इसे देखा जाए, रिलीजन में दो चीजें हैं, ईश्वर और मानव के बीच संबंध तथा मानव और मानव के बीच संबंध। इन दोनों नजरिए से देखा जाए ये तीनों पूर्ण हैं, पर ये दोनों अधूरे हैं, क्योंकि एक पक्ष को तो फुलफिल करते हैं, दूसरा पक्ष को फुलफिल या पूरा नहीं करते। इसलिए हो सकता है आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, क्या बौद्ध और जैन धर्म है? क्या बौद्ध और जैन को रिलीजन के अर्थ में धर्म स्वीकार किया जा सकता? नहीं। जैसे मान लिया जाए, प्रश्न यह पूछा जाता है, क्या माना जा सकता है? यदि मान लिया प्रश्न यह पूछा जाए, क्या बौद्ध और जैन धर्म को रिलीजन के अर्थ में धर्म माना जा सकता कि नहीं माना जा सकता? एक बात याद रखना है, रिलीजन के अर्थ में ये दोनों धर्म की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि रिलीजन में ईश्वर को मानना जरूरी है, और बौद्ध और जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है। पर एक प्रश्न, मैक्स मुलर एक विचारक है, मैक्स मुलर ने यह कहा, धर्म का इतिहास मानव का इतिहास है। एक मैक्स मुलर, देखो आप, मैक्स मूलर, धर्म का इतिहास
मानव का इतिहास है। आखिर ऐसा क्यों? धर्म के इतिहास मानव का इतिहास क्यों है? रीजन क्या है? क्योंकि जब से मानव जाति का पदार्पण हुआ तब से मानव किसी न किसी रूप में धर्म को स्वीकार करता रहा है, या किसी न किसी रूप में सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करता रहा है। जैसे जिससे उसको पोषण मिलता है मानव उसकी पूजा करता था, मानव सूर्य की पूजा करता है, नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, पर्वतों की पूजा, प्रकृति की पूजा करता है मानव। यह अलग चीज है कि आराध्य का स्वरूप लगातार बदलता रहा है। इसका अर्थ यह है कि मानव हर रूप में किसी न किसी रूप में किसी न किसी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करता रहा है। दूसरी बात, मानव को अनुशासित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, मूल्य की आवश्यकता होती है, अमूल्य नियमों के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। इसलिए मैक्स मुलर ने यही कहा कि धर्म के इतिहास का अध्ययन मानव के इतिहास का अध्ययन है। अब मानव के इतिहास का अध्ययन एक दृष्टि से धर्म का अध्ययन है। अब एक प्रश्न, क्या हम अधार्मिक हो सकते हैं? जैसे हम कहते हैं व्यक्ति व्यक्ति बहुत अधार्मिक है, यह बहुत धार्मिक है। आखिर अधार्मिक और धार्मिकता को किस रूप में परिभाषित किया जाए? हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म की वाह पक्ष और धर्म के आंतरिक पक्ष की बात की जाए। देखो आप, एक धर्म का वाह पक्ष है, एक धर्म का आंतरिक पक्ष है। वाह पक्ष और हम आंतरिक पक्ष की बात करें, प्रश्न ये उठा कि क्या कोई व्यक्ति अधार्मिक हो सकता है? आंतरिक पक्ष में मूल्य की बात की जाती है, वाह पक्ष में कर्मकांड की बात की जाती है। यदि व्यक्ति मूल्यों को स्वीकार करता है तो धार्मिक है। हो सकता है कोई व्यक्ति कर्मकांडी हो पर मूल्य को स्वीकार ना करे, जैसे भगवान की पूजा तो करता है पर मन में क्रोध, लालच, ईर्ष्या, द्वेष है। क्या ऐसे लोगों को धार्मिक कहा जा सकता? क्या मंदिर और मस्जिद में जाने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा? समाज ये कहता है कि मंदिर मस्जिद में यात्रा करने वाला धार्मिक होगा। दूसरी चीज, जितने धार्मिक प्लेस है, अयोध्या, कैलाश पर्वत, हिमालय की यात्रा, गंगोत्री की यात्रा, मक्का मदीना की यात्रा करने वाले लोग धार्मिक होते हैं। पर यह भी, यदि मक्का मदीना, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करने वाले लोग धार्मिक होते तो धर्म के मूल्यों को जीते वो लोग। पर सोचो, क्या ये लोग मूल्यों को जीते? क्या वास्तव में हम वास्तव में धार्मिक हैं? सच तो ये है, हम सब के सब कर्मकांडी हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है और कितना अधार्मिक, इसका निर्धारण वाह पक्ष नहीं होना चाहिए बल्कि आंतरिक पक्ष के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि आंतरिक पक्ष में मूल्य की बात की जाती है। यदि धर्म को इस रूप में परिभाषित किया जाए तो समाज को धर्म चाहिए, क्योंकि धर्म राम राज की अवधारणा को मूर्त रूप ला देगा, व्यवहारिक बना देगा। पर यदि कोई व्यक्ति धर्म को कर्मकांड के रूप में परिभाषित करता है तो मेरा जो मानना है, अत्यधिक कर्मकांडी होना एक प्रकार का अधार्मिक है। क्योंकि धर्म का जो इसेंस है,
जो सार है, जो सार तत्व है, वो मूल्य है, नैतिकता है, नियम है, अनुशासन है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म को नए तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है, ताकि धर्म को लेकर संघर्ष न हो। अब एक प्रश्न कि धर्म मानव समाज के विकास में सहायक है या बाधक? मानव समाज के विकास में धर्म सहायक है बाधक? दो चीजें हैं। एक वर्ग ने यह माना और दूसरे वर्ग ने माना धर्म मानव समाज के विकास में सहायक है। इनका तर्क क्या है? इनका तर्क यह ही है, धर्म मूल्यों का संचार करता है, धर्म समाज को अनुशासित करता है, धर्म ध्यान देना, धर्म मूल्यों का संचार करता है, मानव समाज के विकास के लिए मूल्य जरूरी है, अमूल्य के पीछे आस्था भी जरूरी है। मूल्य आवश्यक नहीं है, बल्कि मूल्य का अनुपालन भी जरूरी है। अमूल्यों का अनुपालन तभी होगा जब मूल्य के पीछे आस्था हो, लोग मूल्यों के प्रति आस्थावान हो, और आस्था तभी पैदा होगी जब मूल्य को धर्म का सहारा मिलेगा। इसे यह कहा जाता है कि धर्म मूल्यों का संचार करता है, और मूल्य के संचार के कारण ही वो समाज मूल्यात्मक बनता है, वो समाज सत्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ बनता है, वो समाज संवेदनशील बनता है। इसे यह मानना है कि जो समाज धार्मिक है वो समाज सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ है। जहां धर्म की उपेक्षा होगी वह कर्तव्य मूल्य अनुशासन की उपेक्षा होगी। अब सोचो वह समाज एक अराजक समाज होगा। इसे यह कहा जाता है कि धर्म के बिना समाज अराजक समाज होगा, जहां न तो नैतिकता होगी, न तो मूल्य होगा, न तो बंधुत्व की भावना होगी। अतः यह कहा जाता है जो समाज जितना ज्यादा धार्मिक होगा वो समाज उतना ज्यादा अनुशासनबद्ध होगा, वो समाज उतना ज्यादा विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इसलिए कहा जाता है धर्म का निषेध एक तरह से बेहतर समाज के विकास को बाधित करना है, धर्म का विरोध करना समाज के विकास को बाधित करना है, धर्म का अनुपालन करना समाज के विकास में सहयोग देना है। इसलिए कुछ विचारक मानते हैं जो अधार्मिक है, अधार्मिक वो समाज के विकास का दुश्मन है। इससे कुछ लोग जो अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा फॉलोअर्स मानते हैं, ठेकेदार मानते हैं, ऐसे लोग पूरी मानव जाति को धर्म की ओर मोड़ने के लिए कभी कभी कट्टरता का सहारा लेते हैं। दूसरी चीज, धर्म समाज को अनुशासित करता है, धर्म समाज को जोड़ता है। आखिर क्यों? क्योंकि धर्म यह बताता है कि प्रत्येक मानव को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, कर्म का फल अवश्य मिलेगा।
इसलिए लोग अच्छे कर्म करते हैं, गलत कर्म से बचने की कोशिश करते हैं, और जब गलत कर्म से बचेंगे उसका परिणाम क्या होगा। तीसरी चीज, धर्म आत्मविश्वास का संचार करता है, क्योंकि धर्म यह सिखाता है कि जीत अंततः सत्य की होगी और प्रत्येक व्यक्ति को उसके मेहनत का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या हुआ, अपने कर्म का ईमानदारी से अनुपालन करता है, निराशा से दूर होता है, क्योंकि धर्म आशावाद का संचार करता है, निराशा को दूर करता है, मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। धर्म धर्म मानव जात को संगठित करता है, मानव जात को जोड़ता है, क्योंकि धर्म यह सीख देता है हम सब ईश्वर के संतान है, अतः हम सब एक है, चूंकि ईश्वर के संतान है अतः हम सब एक है, इसलिए हमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप सोचो, यह धर्म की बात करता है, मानव समाज के विकास के लिए जरूरी है कि समाज में भेदभाव दूर हो। भेदभाव तभी दूर होगा जब यह शिक्षा दी जाए हम सब एक ईश्वर के संतान हैं। परिणाम क्या होगा, बंधुत्व की भावना का विकास होगा, और जब बंधुत्व की भावना का विकास होगा तो हर व्यक्ति दूसरों को जिलाने के लिए जीने की बात करेगा। ऐसी स्थिति में समाज में संघर्ष दूर हो जाएंगे। इसे कहा जाता है कि धर्म नहीं तो समाज नहीं। धर्म का विकास एक तरह से मानव समाज का विकास है, धर्म का पतन मानव समाज का पतन है, धर्म का उत्थान मानव समाज का उत्थान है। धर्म की स्वीकारता मानव समाज के विकास की स्वीकारता है, धर्म का निषेध मानव समाज के विकास का निषेध है। जो जितना ज्यादा धार्मिक होगा वो मानव के समाज विकास को उतना ज्यादा प्रोत्साहित करेगा, यह कहा गया था। लेकिन कुछ विचारकों ने यह कहा था कि धर्म मानव समाज के विकास को बाधित करता है, क्योंकि हमेशा ध्यान दो इस बात को, इनका तर्क क्या है, इनका जो तर्क है कि धर्म मानव समाज के विकास में बाधक है, क्योंकि धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा संघर्ष होता है। कहा जाता है मानव जात का सबसे ज्यादा अहित यदि किसी ने किया है तो धर्म ने किया है। जैसे आज भी जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो धर्म के नाम पर होते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं धर्म के नाम पर लड़ते हैं। हमेशा मंदिर मस्जिद के लिए लड़ना, ये धर्म के नाम पर लड़ना। नंबर दो, धर्म मानव को भाग्यवादी बना देता है, क्योंकि धर्म यह सिखाता है कि मानव के भाग्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। स्वाभाविक है ईश्वर जैसा चाहेगा मानव वैसा ही करेगा। इस स्थिति में मानव निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रियता मानव समाज का पतन है। तीसरी बात, धर्म के नाम पर मानव जात का शोषण, क्योंकि धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कर्म कांड को प्रोत्साहित किया जाता है। अंधविश्वास और कर्म कांड दोनों मानव जात के विकास को बाधित करते हैं। सच तो यही है कि यह जो धर्म है आधुनिकता का विरोधी है, यह आधुनिक मूल्यों का निरंतर विरोध करता है, और मानव समाज के विकास के लिए आधुनिक मूल्य का होना जरूरी है। इसलिए कुछ विचारकों ने कहा यदि मानव समाज को विकास करना है तो धर्म को छोड़ना होगा। अब सोचो, वो समाज ज्यादा आधुनिक बनेगा जो समाज धर्म से दूर चला जाएगा। धर्म से दूर जाना
समाज के विकास को प्रमोट करना है, धर्म के करीब आना समाज के विकास को बाधित करना है। प्रश्न ये उठा, क्या वास्तव में धर्म मानव समाज के विकास को बाधित करता है या प्रमोट करता है? एक चीज सोचो, सच तो यही है कि मानव समाज के विकास को बाधित करेगा या प्रोत्साहित, यह इस पर निर्भर करता है कि हम धर्म को किस रूप में लेकर चलते हैं। सोचो आप, यदि धर्म को मूल्य के रूप में लेकर चलते हैं तो मानव समाज के विकास को प्रमोट करेगा, यदि धर्म को कर्मकांड के रूप में लेकर चलते हैं कर्मकांड तो मानव समाज के विकास को बाधित करेगा। वस्तुतः धर्म का जो आंतरिक पक्ष है वो समाज के विकास में बाधक नहीं है, धर्म का जो वाय पक्ष है, जो कर्मकांडी पक्ष है, वो समाज के विकास को बाधित करता है। जैसे हम चाकू की बात करें, चाकू का सदुपयोग या चाकू का दुरुपयोग, चाकू का दुरुपयोग होता है किसी का गला काटने के लिए, किसी को मारने के लिए भी ये दुरुपयोग है, लेकिन चाकू का सदुपयोग भी होता है किसी के जीवन को बचाने के लिए। जैसे डॉक्टर चाकू का उपयोग करता ऑपरेशन करने के लिए, उस व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए। अब डिपेंड करता है चाकू का उपयोग करने वाला कैसा है, चाकू बुरा नहीं है, चाकू का उपयोग करने वाला बुरा है। इसलिए यह कहा जाता है या कहा जाना अच्छी बात है कि धर्म बुरा नहीं है, हम धर्म को किस रूप में लेके चलते हैं यह जानना जरूरी है। यदि हम धर्म के आंतरिक पक्ष की बात करें तो धर्म समाज के विकास को प्रमोट करेगा, यदि धर्म के वाय पक्ष की बात करें तो समाज के विकास को बाधित करेगा। अब एक प्रश्न, समाज को धर्म चाहिए या धर्मनिरपेक्षता? समाज को क्या चाहिए? देखो दोनों के अपने अलग अलग मत हैं। एक वर्ग ने यह माना समाज को धर्म चाहिए और दूसरे वर्ग ने माना समाज को धर्म निरपेक्षता चाहिए। आखिर क्या चाहिए समाज को, समाज को धर्म चाहिए या धर्म निरपेक्षता चाहिए? इनका तर्क क्या है? जो विचारक मानते हैं कि समाज को धर्म चाहिए उनका तर्क क्या है, वो क्या सोचते हैं? ध्यान देना इस बात को, इनका मानना है कि समाज को धर्म चाहिए। क्यों, ये तर्क क्या देते हैं? कहते हैं समाज के विकास के लिए मूल्य जरूरी है और धर्म मूल्य का संचार करता है, धर्म समाज को अनुशासित करता है, धर्म आत्मविश्वास का संचार करता है, हमेशा बंधुत्व की भावना का विकास, ये चाह मानता क्या है? समाज के विकास के लिए मूल्य जरूरी है और धर्म मूल्य का संचार करता है, समाज के विकास के लिए समाज का अनुशासित होना जरूरी है और धर्म समाज को अनुशासित करता है, समाज के विकास के लिए समाज में रहने वाले लोगों के अंदर आत्मविश्वास का संचार जरूरी है और धर्म आत्मविश्वास का संचार करता है।
अगली चीज, समाज के विकास में समाज का संगठित होना जरूरी है, समाज का एक होना जरूरी है, सामाजिक एकता जरूरी है, और सामाजिक एकता तभी होगी जब बंधुत्व की भावना होगी। तो धर्म के कारण बंधुत्व की भावना का विकास होता है, इसे समाज को धर्म चाहिए। लेकिन इनका यह मानना है कि धर्मनिरपेक्षता, हमेशा ध्यान दो, धर्मनिरपेक्षता क्या करता है? कहा जाता है मानव को भौतिकता की ओर ले जाता है। यदि मानव को भौतिकता की ओर ले जाएगा तो परिणाम क्या होता है? पहली बात ध्यान दो इस बात को, इनका तर्क यह है धर्मनिरपेक्षता समाज को तार्किक बनाएगा, आधुनिक बनाएगा, और जहां तार्किकता होगी वहां भौतिकता होगी, जहां भौतिकता होगी वहां उपभोक्तावाद को प्रमोशन प्रोत्साहन मिलेगा, और उपभोक्तावाद से पर्यावरण का दोहन होता है। इसलिए उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे वर्ग ने कहा कि नहीं, समाज को धर्मनिरपेक्षता चाहिए। इनका तर्क क्या था? तर्क ये समाज को आधुनिक बनाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए आधुनिक होना बहुत जरूरी है, आधुनिक मूल्यों का संचार होना जरूरी है, और धर्मनिरपेक्षता ही देखा जाता समाज को आधुनिक बनाता है। अब एक चीज सोचो जरा, ये कहा जाता है ध्यान देना, धर्मनिरपेक्षता समाज को आधुनिक बनाता है। नंबर दो, धर्मनिरपेक्षता के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जितना ज्यादा विकास होगा, अंधविश्वास दूर होंगे, गलत परंपराएं दूर होंगी, मूल्यांकन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, समाज निरंतर आधुनिक होता चला जाएगा। गलत मान्यताएं, गलत मूल्य, वो सब दूर होते चले जाएंगे। सच तो ये है, आज मानव जाति पत्थर युग से अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुकी है। उसके पीछे मूल कारण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पीछे धर्मनिरपेक्षता की भूमिका है। इनका ये कहना क्या है कि समाज को धर्म नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म मानव जात को भाग्यवादी बनाता है। क्योंकि समाज को धर्म नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म मानव को भाग्यवादी बना देता है। अब मानव को भाग्यवादी बनना, मानव का निष्क्रिय होना है, और निष्क्रिय होना मानव का पतन है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ, धर्म के नाम पर समाज में सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ, आज भी हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समाज को धर्मनिरपेक्षता चाहिए। प्रश्न ये उठा, ये सही है या ये सही है? हम किसे माने, समाज को धर्म जरूरी है या धर्मनिरपेक्षता जरूरी है? हम सही किसे माने, क्या उचित है? यदि बात की जाए तो यह कहना जरूरी है कि हम धर्म को किस रूप में लेके चलते हैं। यदि धर्म को हम कर्मकांड के रूप में लेके चलें, या धर्म को
हम मूल्य के रूप में लेके चले। यदि धर्म को कर्मकांड के रूप में स्वीकार किया जाता है तो बेशक समाज को धर्मनिरपेक्षता चाहिए, पर यदि समाज धर्म को मूल्य के रूप में लेके चला जाए तो समाज को धर्म चाहिए, क्योंकि मूल्य समाज के विकास के लिए आवश्यक है। सच तो यह है कि मानव के विकास के लिए, हमेशा ध्यान दो, मानव का पूर्ण विकास तभी होगा जब मानव का भौतिक आध्यात्मिक यदि मानव के विकास की बात की जाए, महात्मा गांधी ने सर्वोदय विकास की बात की है, और सर्वोदय विकास का अर्थ है मानव का भौतिक प्लस राजनीतिक प्लस सामाजिक प्लस नैतिक प्लस आध्यात्मिक विकास। तो मानव समाज के लिए भौतिकता अध्यात्म दोनों चाहिए, क्योंकि मानव पूर्ण तभी बनेगा जब उसका सर्वोदय विकास हो, और सर्वोदय विकास के लिए अध्यात्म भी जरूरी है और भौतिकता भी जरूरी है, धर्म भी चाहिए और भौतिकता चाहिए। इसे विवेकानंद ने यह कहा कि पूर्वक पश्चिम का मिलन होना चाहिए, क्यों? जो पूर्व है वह अध्यात्म की शिक्षा देता है, जो पश्चिम है वह भौतिकता की शिक्षा देता है, हमेशा ध्यान दो। और मानव का पूर्ण विकास तभी होगा जब मानव का भौतिक आध्यात्मिक दोनों विकास हो, हमेशा ध्यान दो। पूर्व पश्चिम का मिलन होना चाहिए, पूर्व अध्यात्म की शिक्षा देता है, पश्चिम भौतिकता की शिक्षा देता है। और मानव का पूर्ण विकास तभी होगा जब मानव का भौतिक अध्यात्म दोनों विकास हो। इसलिए कहना जरूरी है कि मानव जात के विकास या मानव समाज के विकास के लिए धर्म भी जरूरी है तो भौतिकता भी जरूरी है। अब एक प्रश्न कि जब धर्म विज्ञान की बात की जाती है धर्म और विज्ञान की बात करें हमेशा रिलीजन और साइंस की बात की जाए रिलीजन और साइंस की यदि बात की जाए तो एक बात याद रखना है, ये दोनों मानव विकास के प्रति समर्पित हैं। दोनों सत्य की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध है, दोनों मानव विकास के प्रति समर्पित हैं, दोनों सत्य की खोज कर रहे हैं, दोनों मानव के जीवन को सहज और सरल बनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, हमेशा जानो। धर्म और विज्ञान की बात करें दोनों में बेशक अंतर है, आखिर अंतर कैसे है? यदि धर्म की बात की जाए और विज्ञान की बात की जाए, एक चीज ध्यान दो, धर्म आस्था पर बल देता है, विज्ञान तर्क की बात करता है। धर्म कहता है, सृष्टिवाद की बात करता है, विज्ञान विकासवाद की बात करता है।
हमेशा धर्म का आधार आस्था है, विज्ञान का आधार, साइंस का आधार तर्क है या तर्क करता है। धर्म सृष्टिवाद क्रिएशन अर्थात ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है, जबकि विज्ञान कहता है जगत का विकास होता है। सृष्टिवाद का मतलब है ईश्वर ने जगत की रचना की, और विकासवाद का मतलब है जड़ परमाणु से जगत का विकास। हमेशा ध्यान दो, साइंस मानता है कि ये जो जगत है वो जड़ परमाणु से विकसित है, वो एटम से डेवलप हुआ है, पर धर्म कहता है कि ईश्वर ने जगत का निर्माण किया। आप सो धर्म मानता है कि मानव की रचना ईश्वर ने की, और साइंस मानता है मानव प्रकृति से उत्पन्न। दोनों में अंतर देखो, मानव की रचना ईश्वर ने की यह धर्म मानता है, यह कहता नहीं मानव प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। पहली बार ध्यान देने इस बात को। इसलिए धर्म जो है कहता है कि मानव के भाग्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, यह मानता है। चूंकि ईश्वर ने मानव की रचना की, इसे ईश्वर ने मानव के भाग्य का निर्माण किया, पर साइंस मानता है कि मानव प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसे मानव अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। दोनों में देखो मूलभूत अंतर यह है। यह जो धर्म है ईश्वर को मानता है या ईश्वर को नहीं मानता। साइंस कभी ईश्वर को नहीं मानता है, जबकि धर्म तो ईश्वर को मानता है। एक तरह से देखा जाए यह ईश्वर की वास्तविकता को स्वीकार करता है, यह मानता है कि ईश्वर है, और साइंस कहता है ईश्वर नहीं है। धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति, पर जो विज्ञान का अंतिम लक्ष्य है यह स्वर्ग या मोक्ष नहीं है, मानव के जीवन को सहज और सरल बनाना। मानव के जीवन को सहज और सरल बनाना यह इनका लक्ष्य है। इस प्रकार देखा जाए धर्म विज्ञान में डिफरेंट है। धर्म का आधार आस्था है, विज्ञान का आधार तर्क है। धर्म सृष्टिवाद की बात करता है, विज्ञान विकासवाद की बात करता है। धर्म कहता मानव की रचना ईश्वर ने की, विज्ञान कहता मानव प्रकृति से उत्पन्न है। धर्म ईश्वर को मानता है, विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। धर्म का अंतिम लक्ष्य है स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति, जबकि विज्ञान का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग या मोक्ष नहीं है, बल्कि मानव के जीवन को सहज और सरल बनाना है। तो दोनों में अंतर है, पर एक प्रश्न उठा, कि धर्म और विज्ञान विरोधी है या पूरक। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक हैं, इसको लेकर डिबेट शुरू हुआ। एक वर्ग ने कहा कि धर्म और विज्ञान में विरोध है, और दूसरे ने कहा कि धर्म और
विज्ञान में पूरकता का संबंध है, धर्म विज्ञान में विरोध क्यों है, यह क्या मानता है? यह कहता है धर्म का आधार आस्था है, विज्ञान का आधार तर्क है। पिछली बातें जो हम पढ़ चुके हैं, धर्म सृष्टिवाद की बात करता है, विज्ञान विकासवाद की बात। धर्म का अंतिम लक्ष्य स्वर्गीय मोक्ष की प्राप्ति है, विज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव के जीवन को सहज और सरल बनाना है। इसे कहा गया दोनों में विरोध है, जहां धर्म होगा वहां विज्ञान नहीं, और जहां विज्ञान होगा वहां धर्म नहीं हो सकता। लेकिन आइंस्टीन ही कहा जाए, आइंस्टीन ने धर्म विज्ञान में पूरकता का संबंध माना है। इनका तर्क क्या है? इनका तर्क यह है कि विज्ञान कणता की बात करता है, लेकिन कणता कैसे कार्य करता है एक देखा जाए यह धर्म बताता है। किंतु यह धर्म बताता है, विज्ञान कारणता की बात करता है, किंतु कारणता कैसे कार्य करता है यह धर्म बताता है। पहली चीज, दोनों में पूरकता का संबंध है। धर्म विज्ञान की बात करें, विज्ञान धर्म निहित अंधविश्वास को दूर करता है तथा धर्म विज्ञान का मार्गदर्शन करता है। और तीसरी चीज बात की जाए, आइंस्टीन ने यह कहा कि किताब थी रिलीजन एंड साइंस। इन्होंने कहा धर्म के बिना विज्ञान अंधा है तथा विज्ञान के बिना, ध्यान दे रहा हूं, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है तथा विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। तीन बातें आइंस्टीन ने कहा कि धर्म विज्ञान में पूरकता का संबंध है। अब तक हम लोग यह पढ़ रहे थे कि धर्म विज्ञान में विरोध है, लेकिन आइंस्टीन ने कहा पूरकता का संबंध है। क्यों? क्योंकि विज्ञान कारणता की बात करता है, विज्ञान प्रत्येक कार्य के कारण की बात करता है, लेकिन ये कारणता कैसे कार्य करता है यह कौन बताता है? यह धर्म बताता है। दूसरी बात, विज्ञान के लिए धर्म आवश्यक है, क्योंकि धर्म विज्ञान का मार्गदर्शन करता है ताकि विज्ञान का दुरुपयोग न हो, और धर्म को विज्ञान की भी जरूरत है, क्योंकि विज्ञान धर्म में निहित अंधविश्वास को दूर करता है। तो एक चीज सोचो जरा, यह धर्म और विज्ञान, धर्म को विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान को धर्म की जरूरत है। धर्म को विज्ञान की जरूरत क्यों है? क्योंकि विज्ञान धर्म में निहित अंधविश्वास को दूर करता है, और विज्ञान को धर्म की भी जरूरत है, क्योंकि धर्म विज्ञान के दुरुपयोग को रोकता है। यदि विज्ञान का दुरुपयोग हुआ तो विज्ञान मानव जात के लिए अभिशाप बन जाएगा, और सदुपयोग हुआ तो वरदान बन जाएगा। इसे धर्म विज्ञान के दुरुपयोग को रोकता है और सदुपयोग को प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है। तीसरी चीज, आइंस्टीन ने अपनी किताब रिलीजन एंड साइंस में यह कहा कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इसे आइंस्टीन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, दोनों में कोई विरोध नहीं है। अब एक चीज सोचो,
धर्म और पर्यावरण का संरक्षण। प्रश्न ये उठा, धर्म पर्यावरण के संरक्षण में सहायक है या बाधक है? क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए धर्म जरूरी है? दो मुद्दा उठ गया। हमेशा ध्यान दो, धर्म पर्यावरण संरक्षण में सहायक है या धर्म पर्यावरण संरक्षण में बाधक है? आखिर है क्या धर्म? तो दो चीजें होती हैं। इस वर्ग ने कहा धर्म पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तर्क क्या था इनका, ध्यान सुनना इस बात को। इनका तर्क यह है कि धर्म यह सिखाता कि कण कण में ईश्वर है, तो प्रकृति के कण कण में ईश्वर है, प्रणाम तो पूरा का पूरा प्रकृति ईश्वरमय है, ऐसे प्रकृति की पूजा होगी और प्रकृति की पूजा होगी तो प्रकृति का संरक्षण होगा। तो यह सिखाता है धर्म के अनुसार ईश्वर हर जगह है। यदि ईश्वर हर जगह होगा तो स्वाभाविक है प्रकृति के कण कण में ईश्वर होगा। यदि कण कण में ईश्वर होगा तो स्वाभाविक है प्रकृति की पूजा होगी, और प्रकृति की पूजा होगी प्रकृति का संरक्षण होगा, और प्रकृति का संरक्षण होगा तो फिर पर्यावरण का संरक्षण होगा। ध्यान दो, धर्म के अनुसार ईश्वर हर जगह है। ध्यान से, धर्म पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, अर्थात धर्म पर्यावरण का संरक्षण करना है तो धर्म जरूरी है। बिना धर्म के पर्यावरण का संरक्षण हो नहीं सकता। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के विनाश को लेकर चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि को लेकर चिंतित है, कोरोना का प्रभाव दिखने लगा है, पूरी दुनिया चिंतित है। क्या किया जाए? क्या पर्यावरण संरक्षण में धर्म की कोई भूमिका हो सकती है? तर्क क्या है? कुछ विचारकों का मत है कि पर्यावरण संरक्षण में धर्म की भूमिका है, क्योंकि धर्म के अनुसार ईश्वर हर जगह है। यदि ईश्वर हर जगह होगा तो प्रकृति के कण कण में ईश्वर होगा, और कण कण में ईश्वर होगा तो प्रकृति की पूजा होगी, और प्रकृति की पूजा होगी तो प्रकृति का संरक्षण होगा, और प्रकृति का संरक्षण होगा तो फिर पर्यावरण का संरक्षण होगा। पहला तर्क। दूसरी चीज कहा जाए कि जो धर्म है जो तर्क है, धर्म संतोष की शिक्षा देता है। अब एक चीज सोचो, यदि धर्म संतोष की शिक्षा देगा तो स्वाभाविक है प्रणामता उपभोग की प्रवृत्ति में कमी, जब कमी होगी तो प्रकृति का दोहन कम। अच्छा, प्रकृति का दोहन कम होगा तो प्रकृति का संरक्षण होगा, और प्रकृति का संरक्षण होगा तो पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो जो धर्म है वह संतोष की शिक्षा, आत्मसंतोष की शिक्षा देता है। जब आत्मसंतोष की शिक्षा मिलेगी तो प्रकृति का संरक्षण होना स्वाभाविक है। दूसरी बात ध्यान दो इस बात को, तीसरी चीज देखा जाए
धर्म मूल्यों का संचार करता है। जब मूल्यों का संचार होगा तो बंधुत्व की भावना का विकास होगा, और जब बंधुत्व की भावना का विकास होगा तो सामाजिक दूर, जब सामाजिक भेदभाव दूर होगी तो सामाजिक एकता होगी, सामाजिक एकता होगी तो सामाजिक सशक्तिकरण, और जब सामाजिक सोशल एम्पावरमेंट होगा तो स्वाभाविक है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रकृति का संरक्षण होगा। क्यों? जब सामाजिक भेदभाव दूर होगा और जब सामाजिक एकता होगी तो संसाधनों का न्यायचित वितरण, संसाधनों का न्यायचित वितरण होगा तो गरीबी में कमी आएगी, और गरीबी में कमी आएगी तो प्रकृति का दोहन कम होगा। इसे कहा जाता है यह धर्म मूल्यों का संचार करता है। जब मूल्य का संचार होगा, सत्य अहिंसा बंधुत्व जैसे मूल्य का, तो बंधुत्व की भावना का विकास होगा, सामाजिक भेदभाव दूर होंगे, सामाजिक एकता होगी, जब सामाजिक एकता होगी तो संसाधनों का न्यायचित वितरण होगा, परंतु तक गरीबी में कमी आएगी, प्रकृति का दोहन कम होगा। अच्छा, प्रकृति का दोहन कम होगा तो पर्यावरण का संरक्षण होगा। इसे यह कहा गया था, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए धर्म जरूरी है, लेकिन कुछ विचारकों का मत है कि धर्म पर्यावरण संरक्षण में बाधक है। इनका तर्क क्या था? धर्म के नाम पर मूर्ति पूजा, इनका तर्क है धर्म के नाम पर मूर्ति पूजा होती है। अब मूर्तियों को कहां विसर्जित किया जाता है? नदियों में, जलाशय में। मूर्तियों के निर्माण में केमिकल का प्रयोग होता है, पूरा रासायनिक केमिकल जल में मिल जाता है, जल प्रदूषण। दूसरी चीज, ये जो अति धार्मिकता है, पहली बात। दूसरे क्या होगा, इनका तर्क क्या है? अति धार्मिकता होगी, अति धार्मिकता से सामाजिक संघर्ष को प्रोत्साहन, सामाजिक संघर्ष होगा तो सोशल एम्पावरमेंट बाधित होगा, और जब सोशल एम्पावरमेंट बाधित होगा, सामाजिक सशक्तिकरण बाधित होगा, कुछ लोग गरीब होंगे, और गरीब व्यक्ति आजीविका के लिए लकड़ियां काटेगा, लकड़ी के लिए पेड़ों को काटेगा, और पेड़ों को काटना शुरू कर दिया तो पर्यावरण का क्या होगा? विनाश होगा। इसलिए कहा गया था कि धर्म पर्यावरण संरक्षण में बाधक है। प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में धर्म पर्यावरण संरक्षण में बाधक है? है या नहीं? यह निर्णय लेने से पहले हम यह देखें, हम धर्म को किस रूप में मानते हैं। यदि हम धर्म को मूल्य के रूप में मानते हैं तो बेशक पर्यावरण का संरक्षण होगा, पर यदि धर्म को कर्मकांड के रूप में माना जाए, जैसे एक तो मूल्य और दूसरा है कर्मकांड, यदि मूल्य के रूप में माना जाए धर्म को, सत्य अहिंसा संवेदनशीलता, तो लोग प्रकृति के प्रति संवेदनशील होंगे। जब प्रकृति के प्रति संवेदनशील होंगे तो प्रकृति का दोहन नहीं होगा, लोगों का फूड बिहेवियर चेंज होगा। धर्म आत्मसंतोष की शिक्षा देता है,
लोगों की इच्छाएं सीमित होगी, उपभोक्तावाद बाधित होगा, पर्यावरण का दोहन कम होगा। पर जब धर्म को कर्मकांड के रूप में, मंदिर मस्जिद के रूप में या मूर्तियों की पूजा के रूप में लिया जाए तो बेशक यह पर्यावरण संरक्षण में बाधक है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म बुरा नहीं है, बल्कि धर्म के प्रति जो मानव की सोच है वह गलत है। हम धर्म को किस रूप में लेते हैं? यदि हम धर्म को मूल्य के रूप में लेंगे, स्वाभाविक है तो सदैव समाज के विकास में सहायक होगा। पर कर्मकांड के रूप में लिया जाए तो समाज के विकास को बाधित कर देगा। थैंक यू धर्म।